अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा। आप सभी का वेलकम है कुकिंग विद एपीएस में। आज हम शेयर करने वाले हैं चिकन दम बिरयानी की रेसिपी। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है ये बिरयानी और इसे हम ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने वाले हैं और आप देख सकते हो कि इसके दाने कितने ज़्यादा खिले खिले हैं। तो इस तरीके से अगर आप भी बनाएंगे तो आपके भी दाने खिले खिले तैयार होंगे। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने 1.5 kg चिकन लिया है, इसे हमने अच्छे से धुल लिया है और छन्नी में डालकर छोड़ दिया था ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी सब निकल जाए। और अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने 1.5 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। मसाले बहुत ध्यान से आपको ऐड करना है। और यहाँ पर तीखी वाली लाल मिर्च है 1.5 बड़ा चम्मच, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च जिससे कलर बहुत अच्छा आएगा, 1 छोटी चम्मच हमने यहाँ पर हल्दी का इस्तेमाल किया है, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 2 बड़ा चम्मच यहाँ पर धनिया पाउडर हम ऐड करेंगे, 1 बड़ा चम्मच चाट मसाला ऐड करेंगे, 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी, 1 नींबू का रस हमने इस्तेमाल किया है और यहाँ पर दही हमने लिया है 1 कप, एकदम गाढ़ा दही है। और साथ ही हम इसमें नमक शामिल करेंगे, नमक पसंद के मुताबिक शामिल करना है। और यहाँ पर हमने फूड कलर का इस्तेमाल किया है, ऑरेंज रेड फूड कलर है, इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और इसे जो मिक्स करना है बहुत अच्छे तरीके से करना है। ये बिरयानी जो बनती है काफ़ी ज़्यादा चटपटी और स्पाइसी बनकर तैयार होती है। तो इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। जब अच्छे तरीके से इसे हम मिक्स कर लेंगे उसके बाद इसकी लीड हम लगा देंगे, मतलब इसे हम कोई बर्तन से ढक देंगे और 2 से 3 घंटे के लिए इसे रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। आप चाहें तो पूरी रात के लिए आप इसे रख सकते हो। पहले मैं कुछ चीजें डालना भूल गई थी, तो यहाँ पर हमने 1 छोटी चम्मच गर्म मसाला पाउडर और 1 बड़ा चम्मच यहाँ पर बिरयानी मसाला शामिल किया है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बाकी मसालों के साथ इसे भी आप डालकर मिक्स करके रख सकते हैं। मैं भूल गई थी, इस वजह से हमने इस पॉइंट पर ऐड कर दिया है और डालने के बाद इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम साइड में रख देते हैं और देख लेते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। तो यहाँ पर 1.5 kg हमने चावल लिया है जिसे हमने धुल कर पानी में छोड़ दिया है। तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए इसे हम पानी में छोड़ देंगे। तो चलिए अब यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया है और इसमें कुकिंग ऑयल शामिल किया है, तकरीबन ये 1/4 कप है। अब इसमें एक एक करके चिकन के पीस को हम ऐड करेंगे। ख्याल रहे चिकन के ऊपर जो मसाले लगे हुए हैं उसे हम झाड़ते हुए सारे पीस को डालेंगे। मसाले के साथ आपको नहीं डालना है वरना मसाले जल जाएंगे और चिकन वैसे ही रह जाएगा, मतलब अंदर कच्चा रह जाएगा। तो इस वजह से हमें सारे पीस के मसाले को झाड़ते हुए तेल में शामिल करना है। अब इसे हम फ्राई कर लेंगे उलट पलट कर, तो गोल्डन कलर आ जाने तक उलट पलट कर फ्राई कर लेंगे। इस पॉइंट पर ख्याल रखना है, जो चिकन को हम फ्राई करेंगे तो फ्लेम को हाई रखेंगे। अगर हम धीमी आंच पर फ्राई करेंगे तो चिकन के अंदर पानी जो होता है वो रिलीज हो जाएगा, इसलिए हमें हाई फ्लेम पर फ्राई करना होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसे हमने उलट पलट कर फ्राई कर लिया है और इसके ऊपर काफ़ी अच्छा कलर आ गया है। तो इसे हम निकाल कर बाकी का चिकन भी फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने एक बर्तन ले लिया है जिसमें आपको बिरयानी बनानी है, वही बर्तन आपको लेना है। और इसमें 1/2 कप हमने मस्टर्ड ऑयल शामिल किया है, चाहो तो रिफाइंड तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पर कुछ खड़े गर्म मसाले शामिल करेंगे, जैसे 3 से 4 तेज पत्ते हैं, लौंग 4 से 5 है, 3 हरी इलायची, 10 से 12 काली मिर्चें, 3 दालचीनी, 2 काली इलायची और 1 बादियान का फूल। साथ ही हमने यहाँ पर बारीक कटा हुआ प्याज शामिल करना है। प्याज जो हमने लिया है 3 मीडियम साइज का लिया है। प्याज को बिल्कुल बारीक कट करना है और इसे हम फ्राई कर लेंगे। इसे कितना फ्राई करना है आपको हम आगे दिखाते हैं। तो आप देख सकते हो इसे लाइट पिंक हमने फ्राई किया है, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, मतलब कि इसे हम गोल्डन फ्राई नहीं करेंगे। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। हाँ, मसाला बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, बिरयानी में बहुत ज़्यादा मसाले इस्तेमाल होते हैं तो बिरयानी का टेस्ट थोड़ा कम जाता है। तो इसमें आपको बहुत ध्यान से मसाले का इस्तेमाल करना है क्योंकि हमने चिकन में भी मसाले का इस्तेमाल किया है। लहसुन का कच्चापन ख़त्म होने तक इसे हमने भून लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे 1/2 छोटी चम्मच हल्दी, 1.5 बड़ा चम्मच हमने यहाँ पर तीखी वाली लाल मिर्च शामिल किया है, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और यहाँ पर
धनिया का इस्तेमाल किया है वो 1 बड़ा चम्मच है। नमक पसंद के मुताबिक शामिल करना है। और यहाँ पर जो हम शामिल करेंगे वो गरम मसाला है जो 1 छोटी चम्मच है, और 1 बड़ा चम्मच हमने यहाँ पर बिरयानी का मसाला इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर दही शामिल करेंगे 1/2 कप। 1 कप हमने इस्तेमाल किया है चिकन में, और यहाँ पर हमें 1/2 कप दही का इस्तेमाल करना है। अब इन मसालों को तब तक हम भूनेंगे जब तक तेल सरफेस पे दिखने ना लगे। फ्लेम को लो रखना है, और आप देख सकते हो कि धीरे धीरे हमने मसाले को भून लिया है। मसालों को धीमी आंच पर आपको भूनना है। अब इस पॉइंट पर हम डालेंगे वो मसाले जिसमें हमने चिकन मेरीनेट किया था। सारे चिकन को फ्राई हमने कर लिया था, उसमें जितने मसाले बचे थे सारे मसालों को हमने इस पॉइंट पर शामिल कर दिया है। अब सारे मसालों को एक साथ हम भून लेंगे, और आप देख सकते हैं मसाले का कलर कितना जबरदस्त लग रहा है। ये देखिए मसाले को अच्छे तरीके से हमने भून लिया है। अब इसमें हम फ्राई किए हुए चिकन शामिल करेंगे। तो जितना चिकन हमने फ्राई किया था सभी को शामिल कर दिया है, अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमें इसे पकाना नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, और इसे सिर्फ मिक्स करेंगे। हमने यहाँ पर 1 कप पानी शामिल किया है, फिर से इसे हम चला लेंगे, और चलाने के बाद इसे धीमी आंच पर पकने के लिए सिर्फ 5 मिनट के लिए छोड़ेंगे। बहुत ज़्यादा देर तक इसे हमें गलाना नहीं है, सिर्फ 5 मिनट के लिए छोड़ना है। जब तक ये पकता है तब तक हम चावल तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जितना चावल लिया है उसका 3 गुना पानी लिया है, और यहाँ पर कुछ खड़े गरम मसाले हैं जैसे 3 से 4 तेजपत्ते हैं, 1 छोटी चम्मच शहजीरा है, लौंग है 3 से 4, हरी इलायची है 3 से 4, दालचीनी है, काली इलायची है, 1 बड़ा चम्मच तेल शामिल किया है, 1/2 नींबू का रस हमने शामिल किया है, 3 बड़ा चम्मच नमक शामिल करेंगे। चावल की क्वांटिटी ज़्यादा है तो नमक का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। अगर 1 किलो चावल है तो 2 बड़ा चम्मच नमक का इस्तेमाल करना है। अब उबाल आने तक इसे हमने ढक दिया था। अब जितने खड़े गरम मसाले हैं इसे हम निकाल लेंगे, क्योंकि बिरयानी में बहुत ज़्यादा गरम मसाला मिलता है तो बिरयानी का टेस्ट भी कम जाता है। तो गरम मसाले जो हम निकाल रहे हैं उसे फेंक देना है, क्योंकि इसका सारा फ्लेवर निकल चुका है। हाँ, साथ ही हमने इसमें हरी मिर्च भी डाल दिया था 3 से 4। अब इसमें हम चावल शामिल करेंगे। यहाँ पर चावल को बहुत ध्यान से डालना है, पानी के छींटे बहुत ज़्यादा लगते हैं। हल्के हाथों से इसे हम चला लेंगे, और उबाल आने तक इसे हम पका लेंगे। तो यहाँ पर उबाल आ चुका है, चावल हम चेक कर लेते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं चावल में 2 कन्नी रह जाए तो आपको उतार लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगी कि 3 कन्नी जब रहे तो चावल को आपको उतारना है। 2 कन्नी में आपका चावल गीला हो जाएगा। 3 कन्नी अगर रहता है और अगर आप चावल को छान लेते हैं तो आपका चावल एकदम खिला खिला तैयार होता है। अब इस पॉइंट पर चावल को पानी से छान कर अलग रख लेना है, और अब हम चलते हैं चिकन चेक कर लेते हैं। 5 मिनट हो गया है, तो ये देखिए चिकन भी अच्छे से गल चुका है, मतलब 50% हमने चिकन को गला लिया है। अब इसमें जितना चिकन है सभी चिकन को हम छान कर निकाल लेंगे दूसरे बर्तन में। तो इस तरीके से हम आपके साथ बिरयानी शेयर कर रहे हैं, आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना, बहुत ज़्यादा उम्दा और टेस्टी बनकर तैयार होती है। सारे चिकन को हमने निकाल कर अलग कर लिया है, और इसे हम साइड में रख देते हैं। अब इस मसाले में हमने 1/4 कप पानी शामिल कर दिया है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें सारी चीज़ें शामिल करेंगे। तो यहाँ पर 1 मुट्ठी तली हुई प्याज शामिल करना है, और यहाँ पर धनिया 1 मुट्ठी शामिल कर दिया है, 1 मुट्ठी पुदीना शामिल करना है। तो यहाँ पर हमने सूखा पुदीना का इस्तेमाल किया है, अगर आपके पास फ्रेश है तो फ्रेश पुदीना का इस्तेमाल करें। साथ ही हमने 3 से 4 हरी मिर्ची ऐड कर दिया है, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच बिरयानी का मसाला यहाँ पर ऐड किया है, 1/2 छोटी चम्मच चाट मसाला। अब इसके ऊपर जितने चावल छान कर हमने रखे थे सभी को डाल देना है, जितना भी चावल है सभी को एक साथ डालना है, और अच्छे से इसे हम फैला लेंगे, बराबर कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो जितना चावल था सभी को डालने के बाद इसे हमने बराबर कर लिया है। इस पॉइंट पर गैस का फ्लेम हमने अभी ऑफ रखा है। अब यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर इसमें शामिल किया है, साथ ही हमने यहाँ पर थोड़ा सा
स्प्रिंकल करना है गरम मसाला पाउडर, चाट मसाला, बिरयानी का मसाला और पुदीना, धनिया, तली हुई प्याज, हरी मिर्चें, सारी चीज़ें हमने डाल ली है। अब इसके ऊपर जितना भी चिकन निकाल के रखा है सभी को अच्छे से सेट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने सारे चिकन को सेट कर लिया है और इसके ऊपर हम तेल शामिल करेंगे। तो जिस तेल में हमने प्याज को फ्राई किया था उसी तेल का इस्तेमाल करना है। तो तकरीबन हमने 3/4 कप तेल का इस्तेमाल किया है और आप देख सकते हैं कि ये तैयार हो गया है। अब इसे ढक्कन से ढक देंगे। ढक्कन के ऊपर हमने कपड़ा लगा दिया है और कोई वजन का सामान आपको रख देना है। इसे 25 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसे दम देना है। उसके बाद फ्लेम को ऑफ करना है और ऑफ करने के बाद 10 मिनट के बाद इसकी लीड हटाना है। अगर इसे हम फौरन चला लेते हैं तो दाने टूटने का चांस होता है। तो आप देख सकते हैं कि चावल के दाने जो हैं कितना ज़्यादा खिले खिले तैयार हुए हैं। तो इस तरीके से आप भी छोटे छोटे टिप्स को ख्याल रखते हुए चावल तैयार करते हैं, आपकी भी बिरयानी बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार होगी। इस बिरयानी को एक बार आप लोगों ने बना लिया तो सारे बिरयानी बनाने के तरीके भूल जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है और कोई एक बार खा ले तो इसका जायका जल्दी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि ये जायके में भी बहुत ज़्यादा उम्दा बनकर तैयार होती है। तो एक बार इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मज़ेदार चिकन बिरयानी बनकर रेडी हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।